कई लोगों की जन्म कुंडली में काल सर्प योग रहता है और बड़े बड़े दुख से वो लोग बड़े सोच सोच के काल सर्प नाम सुनते ही बेचारे घबरा जाते हैं। अब क्या होगा, कैसे होगा, अनेकों बातें उनके मन में भय करने लग जाती हैं। तो काल सर्प योग से बचने का आपको कुछ उपाय करना चाहिए। सोमवार के दिन भगवान शिव जी के शिवलिंग पर गंगा जल मिलाकर उस जल से महामृत्युंजय का पाठ किसी ब्राह्मण देव से 108 बार बुलवाकर या 501 बार बुलवाकर या 1100 का जाप करवाकर 7 दिन तक नित्य अभिषेक करने पर, चंदन युक्त धूप प्रदान करने पर, अगर जातक जिसकी कुंडली में काल सर्प योग है वो सोमवार के दिन से प्रारंभ करके 7 दिन तक लगातार इस कार्य को करता है तो उसके काल सर्प योग का जो दोष है भूत भावन भोलेनाथ समाप्त कर देते हैं। दूसरा, चांदी के सर्प का जोड़ा बनवाकर शिवरात्रि को अथवा सोमवार को अथवा नागपंचमी को दूध में रखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से और दूध से अभिषेक करने से इस दोष की निवृत्ति हो जाती है। सर्प गायत्री का जाप या महामृत्युंजय का जाप भी इस काल सर्प योग के दोष को मिटाने में पर्याप्त क्षमता रखता है। इसलिए हम सभी को भूत भावन भोलेनाथ के इन शुभ कार्यों को कर कर, क्यों, क्योंकि भूत भावन भोलेनाथ सर्प को अपने गले में धारण करते हैं तो सहज ही काल सर्प योग भी भूत भावन भोलेनाथ के इस प्रयास से समाप्त किया जा सकता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा।